अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं हैदर, राजा हैदर, जा रहा हूं लंदन, दुबई एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हूं। Traveling with young children, please go to gate 6 for boarding. That's all passengers with express boarding tickets and मैं UK पहुंच गया हूं, यहां पे ही बारिश शुरू हो गई। ये वर्ल्ड्स एंड प्लेस है लंदन में, दुनिया की आखिरी हद है और हमने भी हद कर दी। इस दुनिया में आखिर पे आके बारिश बहुत तेज लगी हुई है और आज की जो वीडियो आप देखोगे वो यहीं से देखने वाले हो, क्योंकि ये खूबसूरत सा मौसम कहीं और का नहीं हो सकता सिवाय यूके को। ये देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक मिनी कार है, बहुत आला किस्म की। जैसे बाकी मुल्कों में गाड़ियों की मार्केट लगती है, एतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार, तो यहाँ भी ये गाड़ी है। और ये है तो बड़ी बज़ाहिर मुन्नी सी गाड़ी, लेकिन ये सेल में इसकी कीमत है तकरीबन 12,000 pounds, 11,995 pounds। और ये लोग बड़े शौक से लेते हैं और ये देख लें, पूरी दुनिया यहाँ पर इकट्ठी होती है, देखती है। ये एक और गाड़ी है, ये भी मिनी कार है और इसकी प्राइस भी 11,495 है इसकी। और ये वाली है स्मॉल और ये ऊपर इसका जो छत है वो रिमूव भी हो जाती है। इसकी प्राइस इन्होंने नहीं लिखी है। ओके प्लीज, ओके ओके, थैंक यू। Okay. So you can have a tour of London from a vintage Mini Cooper. It's a little bit further down. Mm-hmm. That's not with us, but yeah, we're here as part of an event. कनाडा है, अमेरिका का झंडा है, हॉलैंड का है,
सही हिसाब बराबर होता है, होते जा रहा है। ये शौक से बना रहे हैं, ये आर्ट है बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही जबानी याद रखना और झंडे को बनाना एक कमाल है। वीकेंड है इस वजह से और दूर आपको बहुत सारे बैनर भी नजर आ रहे हैं, लोग लेकर निकले हैं। एक एहतजाजी रैली हो रही है यहाँ पे, मुख्तलिफ लोग आते हैं और बहुत सारा हजूम। खूबसूरत मौसम है, थोड़ा सा सूरज निकला है। नॉर्मली कल भी बारिश थी, दो तीन दिन से बारिश ही लगी है और आज थोड़ा प्लेजेंट है वेदर। बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ, क्योंकि जब रैली होती है तो यहाँ सिक्योरिटी और ज़्यादा सख्त कर दी जाती है। अरे वो पप्पी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने म्यूज़िक की। काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, यहाँ जो भी आते हैं परफॉर्म करते हैं अपने हिसाब से। सामने एक रैली है, ये दूर देख रहे हैं काफ़ी सारे बैनर उठाए हुए हैं और ये एहतजाज किए जा रहे हैं कि जो जानवर हैं उनके राइट्स बड़े अहम हैं। ये आप देखो, गाय का सारा दूध अगर आप ले लेंगे तो उसके बच्चे क्या पिएंगे, इस टाइप के थॉट लेकर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अंडरग्राउंड पिकाडिली सर्कस। मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप निकल आई है, वरना दो दिन से तो मुसलसल बारिश हो रही थी, इसलिए लोग जरा कम ही निकल रहे। Right. Keep eating meat, like listen to me, right? यहाँ पे ये एक रोड के ऊपर मार्केट लगती है लंदन में, मुख्तलिफ इलाकों में लगती है और ये वीकेंड पे स्पेशली आप देखते हो और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी जो कि खाने पीने के स्टॉल से लेके आपको हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ फ्रेश फिश आप ले सकते हो ये जैसे कि, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग केक की दुकान है, ये बहुत अलग किस्म के, और ये 2.5 pound की एक पेस्ट्री दे रहे हैं और ये मीठा मीठा तो मुझे वैसे बहुत पसंद है लेकिन मैं खाता कम कम हूँ और ये बहुत ज़बरदस्ती ये फ्लेवर है इसमें। चॉकलेट्स और केक, ये डोनट की दुकान है और डोनट जो है ज़्यादा लोग खाते हैं। ब्रेड है हर किस्म की यहाँ पे, आप जो नॉर्मल वीकेंड्स पे आप लेकर जाते हो। इस ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा है, जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, नॉर्मली लोग इसको नहीं खाते बट ये सो यम्मी और टेस्ट भी करवाते हैं ये अगर आपको खाना। ये थोड़ी एशियन एक दुकान है जिसमें चिकन है, लैम है, पुलाव है, मेवा है, मुख्तलिफ आपको ये लगेंगे। और ये केक है यमीज, ये देखो वहाँ यहाँ ये है मिक्स मांको, और एक एक पीस भी आप ले सकते हो 3 pound का। ये पिस्ताशियो चॉकलेट और अपनी गोश्त की दुकान है, बर्गर है, आप खुद बर्गर बनाते हो यहाँ। और ये है कुकीज़ की, जो गेम खेलने वाले लोग हैं उनको पता है कि ये सारी कुकीज़ बिस्किट वगैरह बहुत ही आला होते हैं और ये 4 cookies 3 pound के दे रहे हैं। आए ये है आइस कोर, ये कॉफ़ी है और इसका आपको एक ब्रांड मिल रहा है यहाँ पे जो लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये चीज़ है, चीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट है आपको नज़र आ रही हैं। हाय हाय हाय, ये ड्राई मीट वो
स्टोर्स हैं, बहुत बड़ा बाजार है। अगर आप देखो तो सब लोग अपना अपना ये चॉकलेट बच्चों के लिए, कैंडीज अगर आप लेना चाहो, पेस्ट्रीज, अरबिक मिठाइयाँ, बकलावा, ऑलिव हर तरह के यहाँ लगाए हुए हैं। मुझे ऑलिव बहुत पसंद है और मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर तरह का ऑलिव ट्राई किया है। ये कोकोनट बेच रहे हैं यहाँ, कोकोनट और वो अचार मुख्तलिफ। यहाँ लोग इस तरह आके बैठ जाते हैं और अभी हमने शॉर्ट टूर आपको करवाया है। ये हर बंदे की अपनी अपनी एक स्टाइल, दुकान, फ्रेश जूस, म्यूजिक चल रहा और जो लोग हैं, जो इंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, वो आते हैं यहाँ। और ये देखो अभी छोटा सा बहुत बड़ा सा है, मुन्ना सा है, यहाँ सिंगर है। Is the vanilla? Vanilla. Okay. And wow. ये एक कौन की दुकान है जी? बहुत सारी यहाँ पे कौन नजर आ रही हैं? The homemade ice cream. Yeah. Okay. Homemade. We are making it upstairs. Our gelatory is making it at the moment. Okay. Yeah. So all ingredients are natural, no artificial colorant. Okay. ये कह रही हैं कि जी अभी ट्राई करवाते हैं। ये सारी आइसक्रीम्स हैं और ये आइसक्रीम से जुड़ी हुई चॉकलेट्स हैं इनकी स्पेशल, जो कि बहुत ही आला किस्म की एक ब्रांड है। और हम देख रहे हैं। ओके, थैंक यू, गिव मी दिस। ओके, दिस इज़ योर फेवरेट। सो यम्मी। ये चॉकलेट है और बहुत ज़बरदस्त। That's so pure chocolate. Awesome. Chocolate है ये तो, लेकिन इनकी कॉफ़ी, चॉकलेट, इस टाइप की कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो। अलग चॉकलेट बेसिकली, ये डिफरेंट फ्लेवर आपको नज़र आ रहे हैं। जो गिफ्ट पैक है नॉर्मली 67 pound का आपको ये छोटा सा एक बॉक्स मिलता है, और मिठाई जो है ये 32 pound। पाउंड डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अपने मुल्कों के हिसाब से। और ये यमी सा एक एटमोसफेयर यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त, और कौन ही कौन यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये कौन आप देख लो, जब दुकान में आते हो तो तब भी ये मिलती है। अंडरग्राउंड सर्विस है, हाँ, सेंट्रल लाइन की। यहाँ से आप कहीं भी जाते हो मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये काफ़ी बड़ा अंडरग्राउंड का स्टेशन है। और ये आपको एक ढोल की आवाज़ आ रही होगी, म्यूज़िक की। और ये देख ले, कांगो बजा रहे हैं सिंगर। हाय, हाउ आर यू? नजर आ रहा है, बहुत ब्लू, बहुत मॉडल लग रहा है कि बस आर्ट हुआ हुआ है। जो मुसव्विर है सबसे बड़ा, उस जैसी तकलीफ कायनात में कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो साइकिल्स आपको नजर आ रही हैं,
जितने भी लोग हैं यहाँ से लेते हैं, आधे घंटे के लिए बिल्कुल फ्री होती है, आप इसको ले जाओ, लोग इसको दूसरे स्टैंड पे रख के चार्ज करते हैं, फिर फ्री हो जाती है। इस तरह पूरा दिन भी आप इनको फ्री यूज कर सकते हो, बहुत जबरदस्त है। ये मॉर्निंग है यहाँ पे, और लंदन में बहुत कम होता है कि सुबह सुबह बहुत सारे परिंदे आपके घर पे आ जाते हैं। बाहर देख रहे हैं आप काफी सारे कबूतर पिजन, और मेरे हाथ में ब्रेड है, और ये ब्रेड जो ही हम फेंकते हैं ये आते हैं, और ये आपका बस एक रूटीन बन जाए। रोजाना आप जैसे अपना सदका दे रहे होते हो मुख्तलिफ चीजें, लेकिन इनको खाना आप दे सकते हो। देखो ये कैसे खाएंगे, ये देखो आप, और थोड़ा सा और हम फेंकेंगे, ये थोड़ी देर के लिए उड़ते हैं, साफ आ जाते हैं, और आपको नजर आ रहा होगा कि ये काफी सारे इनमें बेबीज भी हैं, और जितने हैं इनको खुराक मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी अपनी रूटीन में ये जरूर किया करो, दुनिया में कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिंदे हर जगह होते हैं। अगर आप इनको खाना दोगे तो वो आपको वैसे भी इनको दोगे कि नहीं दोगे जरूर देगा, लेकिन वो फिर बहुत खुश होकर देगा। तो ये है टिप ऑफ द डे।